ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है, अगस्त 15, 2023। 15 अगस्त है कल। सब भारतवासियों को हैप्पी गणतंत्र दिवस। प्रथम मुरली है बाप दादा मधुबा। शिव बाबा के महावाक्य मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है ना। बाबा 2-3 दिन से लास्ट अपने रूप के बारे में बार बार बता रहे हैं कि कैसा है, बिंदी स्वरूप है वो, कोई तेजो में नहीं है। बाबा कहते किसी को ऐसा परिचय नहीं देना कि वो शिवलिंगम है, बहुत ही प्रकाश स्वरूप है, हजारों तेज सूर्य से तेजोमय है। बाबा कहते जी नहीं, वो ऐसा नहीं है, उसका यथार्थ परिचय देना। और खास करके रूप कैसा है, बाबा कहते बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जो हम शिवलिंगम के ऊपर पॉइंट रखते हैं वो है। जैसे हम तिलक लगाते हैं, हम ये शरीर नहीं इतना बड़ा 6 फुट का, मगर क्या है, छोटा सा बिंदी है। उसी तरह वो कोई इतना बड़ा लिंगम नहीं, वो क्या है, बिंदी स्वरूप है। इसलिए उनका यथार्थ परिचय रूप का देना है खास करके। प्रश्न है, बेहद की सृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? और दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, इस संसार को स्वप्न व संस्कार संसार क्यों कहा जाता है? उत्तर है, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। स्वप्न जो में आते कहाँ से आते, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भरा पड़ा है वहाँ से ही स्वप्न आते हैं। थॉट भी जो आते हैं उनका वन ऑफ द मेन सोर्स अपना सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम संस्कार कहते हैं। स्वप्न व संकल्प संस्कार में से आते हैं। इसलिए बगैर स्वप्न किसे कहते हैं, अर्थात जो बात बीत गई। इसलिए कहीं स्वप्न ऐसे आते हैं, कहीं संकल्प बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी ऐसे आते हैं कि कभी सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अंदर भरा पड़ा जन्मों जन्म का। बाबा कहते पूरे 84 जन्म के संस्कार, और उसमें भी नेगेटिव और वेस्ट कौन से, लास्ट 63 जन्म के संस्कार, सारे बंधन बुरे पड़े, अच्छे बुरे दोनों। तुम अभी जानते हो यह सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात मतलब क्या, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। बात भवन का ना, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संस्कार की स्मृति आ गई है ना, पूरा का पूरा हमारा जीवन कैसे स्मृति पटल ऊपर पूरा का पूरा पास होता जाता है बचपन से लेकर अभी तक। तो बाबा हमें पूरा का पूरा संसार का स्वप्न दिखा रहा है, आदि से लेकर अंत तक। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए। सुना टाइटल, मास्टर भगवान। भगवान किसे कहा जाए, जो आदि मध्य अंत को जानता हो, जो तीनों तीन लोक को जानता हो, उनका मालिक हो। हम भी जान गए थे, बाबा कहते हैं नेक्स्ट गॉड मास्टर भगवान बन गए। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की जनकार लेकर। पायल की जनकार है बाबा का ज्ञान, पायल की तो बात ही नहीं, बाबा को शरीर ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की बात है ये। सबकॉन्शियस माइंड किसकी भाषा समझता है, संगीत चित्र कलर। तो बाबा कहते हैं मन के द्वारे कौन आया, परमात्मा आया, क्या ज्ञान सागर बनकर ज्ञान की झोली बन गई। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिकल दे शालिग्रामों को बैठ समझाते। शिव और शालिग्राम बहुत ही गायन है शास्त्र के, शालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे न। बच्चे जानते हैं हमको वह पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं, थोड़ा भी नहीं जानते। जानते तो कितना बड़ा लिंगम के रूप में जानते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, फूल फल आदि चढ़ाते, मगर कुछ पता नहीं है इनकी बायोग्राफी के बारे में, कौन है, कैसे आता है, क्या करता है, परिचय नहीं। इसलिए बाबा कहते रिंचक भी कोई जानते नहीं। रिंचक भी शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, यह थोड़ी समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है, वो थोड़ा समझते है। मानते हैं परमात्मा है, भगवान है, मगर कैसा है रूप के बारे में कुछ पता नहीं, शिवलिंगम याद करते हैं।
जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझकर याद करते हैं, इसका बड़ा शिवलिंगम, वह करते होंगे वह भी भोले हैं, क्योंकि वह भी रॉन्ग है। बाबा को शिवलिंगम के रूप में याद नहीं करना है, बड़े रूप में याद नहीं करना है। हमें पहले तो उनके लेवल में आना, क्या आत्मा, परम आत्मा और आत्मा उनके जैसा बनेंगे तो याद ठहरेगी। इसलिए बाबा कहते हैं शिवलिंगम के रूप में याद करना भी रॉन्ग है। बाप समझाते हैं कि मैं एक बिंदु हूँ, अब बिंदी को कोई क्या समझ सके। बाबा कहते किसी को बोला आप बिंदी हो तो क्या समझ सकेंगे, ज्ञान ही नहीं है तो। भले कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है फलाना है, कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु वह है तो बिंदी, फलाना है परंतु नहीं। बाबा कहते वह है बिंदी, उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खुद ही देहभान में है तो बिंदी कैसे याद आएगी, इसलिए मुश्किलात पड़ती है। ज्ञान मार्ग में यही सबसे बड़ी मुश्किलात है, परमात्मा को याद करना, क्योंकि बीच में देहभान आ जाता है। देहभान आने से बिंदी में टिकना मुश्किल होता है, इसलिए बाबा कहते देह का भान छोड़ो, देह देह के संबंध देह के पदार्थ घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है, शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की तो याद रहता है, लिंग भी याद रहता है, बिंदी याद नहीं रहती, परंतु यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी पॉइंट ऑफ लाइट है, लाइट नहीं है खाली, पॉइंट ऑफ लाइट। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वो बुझ जाता। बाबा क्यों ऐसा बार बार कहता है कि मैं बिंदी हूँ, क्योंकि हर धर्म प्रकाश के रूप में परमात्मा को मानता है जो वो नहीं। हिंदुइज्म शिव का ज्योति स्वरूप में लिंगम बनाकर ज्योति कहता है, मतलब प्रकाश। मुस्लिम लोग खुदा अल्लाह कहते हैं, अल्लाह मतलब नूर, नूर मतलब प्रकाश। क्रिश्चियन लोग लाइट कहते हैं, लाइट मतलब प्रकाश। बाबा कहते मैं खाली प्रकाश नहीं हूँ, लाइट नहीं, वो कहते मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। सारे ड्रामा में उनका जो पार्टी वो बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या, कि सुख का सागर है, शांति का सागर है आदि जी, कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं किसके किसको ध्यान में रखे, कहीं बच्चे पूछते हैं इनकी इन बातों को समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाते। बाबा के याद करना तो कैसे करना है, पॉइंट ऑफ लाइट के स्वरूप में ही याद करना है, तो मैक्सिमम प्रकाश के स्वरूप, मगर लिंगम के रूप में नहीं, कि लिंगम क्या है, स्थूल चीज, बाबा को स्थूल चीज नहीं, इसलिए उसको लिंगम के रूप में याद नहीं करना है, बिंदी के रूप में याद, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है क्योंकि शरीरधारी है, मगर इनडायरेक्ट हो जाता है, इसलिए पावर नहीं मिलती है, सकाश नहीं मिलती है, हमारी गिरती कला ही होती है, दुनिया पूरी गिरती है। यह तो है बिंदी, गीत में भी कहते हैं कि याद करो तो याद ना आए, फिर वह सूरत कैसी है, जाते हैं ना, याद करो तो याद ना आए, क्योंकि बिंदी रूप है, यह भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है यह सपनों का संसार है, बाबा की पॉइंट बदल गई एक ही सेकंड में, सुनो, क्योंकि साकार मुरली में क्या होता है, बाबा लहरों की तरह सागर की तरह उछलता है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में फट करके आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए जब सुनते हैं तो ध्यान से सुनना है, बाबा की पॉइंट पूरी बदल गई। अब एक मुरली में क्या होता है, पूरी की पूरी मुरली एक ही पॉइंट पर चलती है, इसलिए ज़्यादा बाबा डीप में जाते, इसलिए एक ही पॉइंट है, यहाँ बार बार पॉइंट बदलती रहती है, क्योंकि सागर है, सागर में लहरें उछलती रहती है, तो सागर की लहरें उछलती है बार बार। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है, स्वप्न का मतलब क्या आप बता रहे, स्वप्न व संसार मतलब जो बीत गया है वही तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग त्रेता द्वापर सारा स्वप्न हो गया, है ना, तीन लोक और सत्युग त्रेता क्या है, तीन काल, पास्ट में हो गया, फ्यूचर में वही होने वाला है, जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है, यह स्वप्न व संसार हुआ ने,
वह हद के स्वप्न आते दुनिया में, तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। बाबा समझाता है, बेहद का बाप है, बेहद की दुनिया की बातें करता है, तो वो स्वप्न में आता है, बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी स्वप्न, सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। इसलिए क्या कहते हैं, राज योग। राज मतलब इतना सीक्रेट दुनिया में कोई नहीं जानता। राज का मतलब होता है सीक्रेट। सतयुग में कितने अथाह सुख थे वह सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए, भगवत कहते कुछ भी हो जाए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा न सके, कोई मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान ही नहीं तो क्या समझाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है, यह पास्ट हो गया, बुद्धि जानती है ने। तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। ऊपर से मतलब परम धाम से हम आते हैं यहाँ पाठ बजाने के लिए, तीनों तीन लोक, परम धाम, सूक्ष्म वतन, सोल वतन, और यहाँ पूरा जो ड्रामा चलता है आदि से अंत। तुम अभी त्रिकालदर्शी जो यहाँ चलता है, त्रिलोकी नाथ जहाँ से हम आए हैं बन गए हो। त्रिलोकी नाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देता, उनके सिवाय कोई ऐसी शिक्षा दे नहीं सकता। सेकंड में स्वप्न आता है ने, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए। बीज और जाड़, पूरा का पूरा जाड़ यहाँ है। बीज कहाँ है, ऊपर है। इसे दिखाते क्या है, उल्टा वृक्ष, कल्प वृक्ष या तो क्रिसमस ट्री, जिसमें पूरा का पूरा तीनों लोक तीनों काल का राज आ जाता है। बाबा भी कहते आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल, जानी जाननहार कहते हैं। तीनों तीन क्वालिटी जानते हैं, हर एक की अवस्था ऐसे ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जानी जाननहार है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसके अंदर जाता है और सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, हर एक की अवस्था क्यों जाने। जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाबा साक्षी होकर कहता है, क्योंकि करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो बाबा कहते कहने की जरूरत नहीं, नहीं पाओगे। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया है। ऐसे देवता ये राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। जो हुआ सो ड्रामा, और वही होने वाला है फिर से। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये याद करते रहेंगे, उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हिरे हुए हैं, आदत पड़ गई है, क्योंकि जन्मों जन्म याद करते आए द्वापर से लेकर अब तक। इसलिए कहते हिरे हुए हैं, लगे हुए हैं। जो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है, तो क्या समझते हैं, द्वापर से लेकर अभी तक ज्योतिर्लिंगम। बिंदी कहे तो मूंज पड़े, इसलिए बाबा ने पहले से बिंदी का ज्ञान नहीं दिया। पहले बाबा ने हमेशा कहा आत्मा अंगुष्ठे मिश्रा, धीरे धीरे बाबा सूक्ष्म करता गया और बिंदी तक आ गया। और साक्षात्कार भी किसका, पहले प्रकाश, फिर धीरे धीरे बिंदी। वह समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है, इसलिए शिव को बड़ा बनाते हैं, शिवलिंगम को छोटा बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुग की दुनिया में, इस समय देखो भपका कितना है, माया का पॉम्प है सब। इसको माया का भपका कहा जाता है, माया का पॉम्प है ना। जाते हैं बार दुनिया में, देखो मॉल में चले जाओ, कहीं कसिनो में चले जाओ, क्या क्या बना के रखा है दुनिया, क्या क्या चीज़ बनाई है, मनुष्य उसमें फंसते रहते हैं। चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे देखने की चीज़ हो, चाहे घूमने की चीज़ हो, कहीं भी, तो क्या है, बाबा कहते हैं माया का अंतिम पॉम्प है, यह नज़ारा है। कहते हैं ना अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई, बड़े बड़े महल बन गए, कहते हैं ना दुनिया वाले, अमेरिका में कितना भपका है,
चीजें कितने नफीस मतलब आकर्षक बनती है। वह समझते हैं कि यह तो मूलम्य की चीजें हैं जो अभी खत्म हो गई हैं, कुछ नहीं है बाबा का। मूलम्य मतलब एकदम नकली, जैसे कि धीरे धीरे करके खलास। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें डैम आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है, ऐसे बनाएंगे क्योंकि नई भूमि है ना। ये तो कितने साल हुए, बहुत ही कम साल, 250 साल ही हुए अभी। मायावी पुरुष है ना, कहते पुरुष आत्मा क्या है, मायावी है बड़ी, आसुरी संप्रदाय का भबका है ये सब है। तिसलम मतलब जादू, अभी गया की गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो है उन्हों की बुद्धि में है कि ये सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते तुम इंटरफियर ना करो नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे, है ना। छोटा सा कोरिया इतने बड़ी महासत्ता को भी क्या कहता है, थ्रेटनिंग करता है, बॉम्ब गिरा देंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता है तो जरूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे सामने, है ना। 1935 में बाबा ने दादा को साक्षात्कार करा दिया कि आमने सामने दो बिल्ले लड़ेंगे, यही लड़ेंगे। गाया हुआ है दो बिल्ले लड़ते हैं, यादवों ने अपने कुल का विनाश किया तो वह दो बिल्ले हुए ने वही प्रैक्टिकल हो रहा है। बाबा कहते दुनिया में भी देखो, तुम बच्चे जानते हो क्या, आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते, जैसे बाप की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। बाबा कहते क्या कहते, स्वदर्शन चक्र घुमाओ तो क्या है, यही तो स्वदर्शन चक्र है। बाबा जो सिखाते पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, शिव कहा जाता है बिंदी को, आत्मा में भी सारा पाठ है, हर आत्मा में अपना अपना, परमात्मा में भी अपना पाठ है। तुम्हारा है ऑलराउंड पाठ सतयुग से लेकर कलयुग तक। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पाठ नहीं, बाप का भी नहीं और दूसरी आत्माओं का भी नहीं। जो मेजोरिटी आत्मा है सब अंत की 3-4 जन्म की ही आत्माएं है। हमारे 3-4 जन्म के तो 1-2 जन्म ही है, क्योंकि आत्मा आती है प्योर आती है तो लंबी आयुष लेकर आती है। हमारे जन्म छोटे हैं, उनके जन्म कम है अंत में, क्योंकि पीछे आयु ही है। सतो प्रधान है आत्मा, इतनी छोटी आयु नहीं होती उनकी, इसलिए बाबा कहते उनके लिए तो 1-2 जन्म की ही बात है, हमारे लिए सतयुग से लेकर कलयुग तक। सत्युग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो उस समय बाप का कोई पाठ नहीं। बाप कहते मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पाठ है। बाबा का पाठ तो कितना है, मैक्सिमम गिने तो यहाँ आता नहीं है, तो साक्षात्कार कराते हैं द्वापर से लेकर अभी तक आधा ही कर, और पूरा पाठ देखो हमारा जैसा तो 100 साल ही है जब बाबा दादा के शरीर में आकर पाठ प्ले करता है तब से। बाकी तो सब साक्षात्कार का पाठ है, वहाँ बैठे भी करा सकते हैं, मगर मान लो वो भी पाठ उनका है तो अभी द्वापर से लेकर अभी तक हम बच्चों का पाठ तो सतयुग से लेकर अभी तक है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में हूँ, मेरा कोई पाठ ही नहीं, सुना, कोई पाठ नहीं 2500 साल तक। तुमने ऑलराउंड पाठ बजाया है तो थके भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए है द्रौपदी के, चरण कृष्ण ने दबाए, द्रौपदी आत्मा है। कृष्ण मतलब आकर्षण, मूर्त कौन है, परम आत्मा, परमात्मा। बाप कहते बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति की दर दर धक्के खाए हैं ना, कहाँ कहाँ नहीं गए उसको ढूंढने के लिए, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, मगर गए तो जरूर है। दर दर भटके हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कुछ नहीं छोड़ा है। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो, फिर बाप आकर उजुरा देता है, पुजारी से भुज बना देता है, वो रिटर्न देता है, वो आकर पूरा का पूरा भक्ति का फल ज्ञान देता है। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं, पूज्य सो पुजारी, पुजारी सो पूज्य, आत्मा बनती है परमात्मा नहीं। ऐसे नहीं कि परमात्मा आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, नहीं हम ही बनते हैं। पारथी अविनाशी खंड गाया जाता है,
भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि, बर्थ प्लेस है, मगर हमारा जैसा बर्थ प्लेस नहीं है, हम जैसा बर्थ लेते ऐसा बर्थ नहीं है उनका। वो डायरेक्ट ब्रह्मा के तन में आता, सीधी एंट्री है, माँ के गर्भ से जन्म नहीं है। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं ना, हम कितना है ना भारत में रहते तो कितना हमें गर्व होता है, इसलिए संस्कृत में कहते हैं जननी जन्मभूमि च स्वर्ग अपि गरीयसी। माता और मातृभूमि क्या है, बाबा कहते हैं स्वर्ग, संस्कृत में क्या कहते हैं, स्वर्ग से भी अधिक है, इसलिए इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड होता है हर एक को अपने देश के लिए। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। यह जन्मभूमि स्वर्ग थी, भारत का विशेष गायन है क्योंकि एक ही था, फिर पांच प्रकारों रूपी माया ने आकर हप किया है। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, यह कोई भी नहीं समझते कि बड़े थे बड़े दुश्मन माया रावण है जो हमारे राजाए खा गया, किसको पता ही नहीं। परमात्मा इनकॉर्पोरियल, रावण भी इनकॉर्पोरियल है, सर्वव्यापी रावण सब में है, परमात्मा को कह दिया सर्वव्यापी, क्यों रावण आना जाए, इसलिए भावना बड़ी अच्छी बना दी कि रावण याद ना आए सब में परमात्मा देखे तो। मगर अब कहते माया सर्वव्यापी है, मैं नहीं, यदि वो होता तो दुनिया की हालतें नहीं होती जो हम देखते हैं। यह जैसे कि गुप्त चूहे मुआफिक फूंक देता और काटता रहता है, कौन रावण, माया, जो किसको पता भी नहीं पड़ रहा है, कुछ पता नहीं, समझाते तो समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया से विपरीत नॉलेज है, पूरा का पूरा नया नॉलेज। काटते काटते एकदम देवाला मार दिया है, एकदम बैंकरप्ट, कुछ नहीं बचा। बाबा कहते ना मैंने इतना दिया था बच्चों को, कहाँ डाला हिसाब बताओ, किसको पता नहीं है हमारा राज्य भाग छीन लिया रावण ने, कोई को पता नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, हम कंगाल कैसे बने, अंदर अंदर लड़ते इसने बना इसने बनाए। बाबा कहते किसी का भी दोष नहीं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो दिखता नहीं है वही पार्ट बजा रहा है, मतलब नेगेटिविटी वेस्ट रावण जो बाबा माया कहते हैं, या तो हम क्या करते हैं विकार कहते हैं, व्यसन कहते हैं, बुरी आदतें कहते हैं, जो भी नाम दो, और किसी को पता नहीं माया बड़ा चूहा है, आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है, बड़ा ही बलवान है। अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो, क्यों, बाबा आया इसलिए, वरना हमें तो पता ही नहीं था, हम तो उनके दास थे। तुम जानते हो कि हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले रहे हैं, जैसे गुप्त रीति गंवाया है फिर लेते भी गुप्त ऋषि से, क्योंकि पता ही नहीं था, और आज जब पता चला है तो गुप्त रीति से, कोई भी नहीं जानते अभी फिर इस पर जीत पानी है, कितने महीन राज है रहस्य है। बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते, मदद करता वो है, यदि वो ना आते तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई हाथ पांव नहीं चलाते। बाबा का तो वो नहीं कहता है कि डांस करो यात्रा पर जाओ खर्चा करो, जी नहीं, गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं जो आधा कलप रहेगा, वो भी कैसे, हमारे तन मन धन से, दूसरे के नहीं, हमें किसी से मांगना नहीं। बाबा कहते मांगने से मरना भला, हमारा लगाना है। वह चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है, और तुम अभी राज्य एक ही बार लेते हो एक ही जन्मों के लिए, 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया, सीढ़ी का चित्र, पूरे मनुष्य के उत्थान और पतन की कहानी, इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, सिंपल 8 जन्म है, 1250 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो 156 ईयर्स, बहुत ही लंबी आयु से, एवरीबडी मोर देन 150 ईयर्स है। फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो फिर द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते, उसमें भी कलयुग में 43 लेस देन 30 ईयर्स हो जाता है, मतलब काफ़ी हमारे जन्म ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, 63, और उसमें भी 43 तो सिर्फ कलयुग में ही 1250 साल में, पूरा का पूरा
42 है आधा पौने में, और एक ही जन एक ही युग में 43 है, तब 83 होंगे, वरना कैसे होंगे। यह बाबा बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प माया ऐसा राज लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। अब कहते लेन देन का प्रोग्राम चलता रहता है, मगर बाबा के बिना कोई वापस दिला नहीं सकता। गीत में भी गाते हैं, कौन देश से आया कौन देश में है जाना, पता नहीं है ना किसी को कहाँ से आया कहाँ जाना, परंतु समझते नहीं। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है क्यों आई है, दूसरों को पता ही नहीं हम क्यों आए हैं यहाँ कहाँ से आए हैं। सारा चक्र बुद्धि में हमें क्यों बाबा ने नॉलेज दिया, तो हमें कहाँ पता था। सारा ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है श्री बाबा का, सुनो वही मेन डायरेक्टर है, मेन हीरो है, मेन सब कुछ उनका ही पार्ट है, करण करावनहार वो है। शिव बाबा के साथ पाटदारी कौन कौन है, पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को, क्योंकि सूक्ष्म वतन को वो क्रिएट करता है ना, तो पहला जन्म उनका है, फिर ब्रह्मा और ब्राह्मण। तुम बाप के मददगार ठहरे, बाप अपना पाठ बजाकर अपने धाम चले जाते, और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते, है ना, साथ में ले जाएंगे सबको, और वापिस वही आएंगे जो जीवन मुक्ति पाते हैं, जो स्वर्ग के लाइन बनते। बाकी ले जाते सबको, उनका काम ही है महाकाल बनकर सबको ले जाना, एक भी पतित आत्मा को यहाँ नहीं छोड़ना, वरना स्वर्ग यहाँ आ नहीं सकता। तो मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए, तो यह है सपनों का संसार जो बीत गया। बाबा ने जहाँ से मुरली चालू की वहाँ तक आगे सपनों का संसार के बारे में बाबा क्या कहना चाहता है, पूरी की पूरी मुरली। तुम जानते हो सत्युग त्रेता में देवी देवता ये रहते थे, अभी नहीं है। गीत का भी कितना गुह्य राज है, कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे, सारा चक्र कैसे घूमता दुनिया को पता नहीं है। दुनिया वाले तो इस जन्म में क्या वही भूल जाते हैं, और इतिहास तो हमने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। अपने को महान दिखाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, हम सब ने किया है, इसलिए बाबा कहते हैं स्वप्न हो गया। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है, सारा चक्कर कैसे घूमता है, सारा संसार आदि से लेकर अंत में कैसे आता है, आत्मा ये कहाँ से आती है, परमात्मा कौन है, आदि आदि ए बी सी डी, बेहद के बाप में ही ये सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते ये स्वप्न हो जाए, यह भी स्वप्न हो जाएगा, बाबा भी चला जाएगा और फिर से वो दुनिया चालू हो जाएगी। यह बड़े समझने की और समझाने की बातें, सत्युग त्रेता में यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं होती, पता ही नहीं है, वहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है। गुड पॉइंट गुह्य पॉइंट्स मिलती रहती है, बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बाबा कहते बस कोई उन्नति नहीं होगी, पर नीचे गिरे ही, इससे फायदा नहीं हुआ जाता। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए, अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। अगर भक्ति का फल क्या है, बलिहारी वो भक्ति की है जो ज्ञान मिला बाबा मिला। माया कौड़ी मिसल बना देते, बाबा ज्ञान डांस सिखलाते, फिर वहां जाकर तुम डांस करेंगे, यह बातें बड़ी वंडरफुल जानने लायक है। यहाँ की रसम रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती, बाबा कहते यहाँ की एक भी चीज वहाँ नहीं जाती, और यहाँ की एक भी रसम रिवाज वहाँ होती नहीं है, वह है ही वॉइसलेस और ये है विशेष पल। वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता, ये दुनिया पूरी माया भी। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, बाकी वहाँ की रसम रिवाज जो होगी वही चलेगी। बाबा कहते हैं रसम रिवाज छोड़ो, वर्षा मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। बाबा अंत में सब कुछ साक्षात्कार करा देगा, हमारी आत्मा को स्टिमुलस दे देगा, आत्मा जग जाएगी, संस्कार जग जाएगी। वहाँ की रसम रिवाज सब नहीं होगी, वहाँ ये उत्सव आदि होंगे नहीं, यहाँ गमी मतलब उदासी रहती है, तब
साधवाना मतलब उत्सव दिलाने वाले उत्सव मनाते हैं। साधवाना क्यों मनाते, उत्सव क्यों मनाते, क्योंकि यहाँ गम है, गम में उत्सव मनाए तो उत्साह आए, वहाँ गम की कोई बात ही नहीं, वहाँ तो नित्य है ही साधवाना, नित्य उत्सव, रोने की दरकार नहीं रहती, उत्सव मनाने की बात ही नहीं रहती, सदैव हमारे बड़े दिन होंगे, कहते ना आज बड़े दिन अच्छे दिन होंगे, वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियाँ मिलती, देखो बाबा सब कुछ सुना रहा है, पहले क्या बोला वहाँ की रस्म हो वो चलेगी, आप क्यों चिंता करते हो, सिर्फ बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, बाबा दिखा भी रहा, बुद्धि से हमें देखना है वहाँ क्या क्या, बाकी त्यौहार आदि की दरकार नहीं, बाकी वहाँ सब दिन उत्सव है, सब दिन त्यौहार है, उसकी जरूरत नहीं है, यह है ही संगम के त्यौहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं, भक्ति मार्ग के त्यौहार नहीं अभी के त्यौहार है, वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ है। अच्छा मीठे मीठे सिकलधी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते, क्या करना है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है, माया भी गुप्त है, हमें भी गुप्त बनना है, गुप्त में फिराना है, दिखावा नहीं है, बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद कर, गीता के महावाक्य, मैं जो हूँ जैसा हूँ उस वैसा मुझे पहचान, बिंदुवन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है, मतलब बड़े रूप में बाबा को याद नहीं करना, अब हमने क्लियर कर दिया मुरली में। आज का वरदान है बाप के डायरेक्शन प्रमाण, सेवा समझ हर कार्य करने वाले, हमारी जॉब हो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बाबा की सेवा है, बाबा का है डायरेक्शन, तो क्या होगा, तो सदा अथक और बंधन मुक्त भव, तो कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि सेवा करते इंस्ट्रूमेंट है रिस्पॉन्सिबल हो, और बंधन भी नहीं आएगा, क्योंकि देह समझते हैं, देहभान में आकर करते हैं तो बंधन बनते हैं, देहभान से परे मतलब बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं, प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं, बाबा कहते अपने को कोसो नहीं कि मेरे को ऐसी ड्यूटी क्यों मिली, बाबा क्यों दे, बाबा कहते जहाँ कर्म बंधन थे वहाँ मिली, अब बंधन में मत फंसो, बाबा ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो, ये बाबा का डायरेक्शन, यह तो मालूम है कि यह वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है, देखो कर्मों का हिसाब किताब, बार बार कहेंगे बार बार सोचेंगे ये ऐसा है, हमारे वहाँ कहाँ हमारे सीने में पड़ गया, तो बाबा कहते और ही कड़ा बंधन हो जाता है, और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, चिन्ह यही ठीक से बाबा कहते अंत मत अंत काल जो स्त्री सुमिरे, बाबा तो अंत काल जो पुत्र सुमिरे, तो गर्भ जल में जाना ही पड़ेगा, इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना, बहुत ही डीप सेंटेंस है, फंसोगे कब, बाबा कहते जब देह भान में आओगे, मजबूर भी ना हो, ऐसा समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है क्या हो रहा है क्वेश्चन मार्क पास्ट वेस्ट, तो बाबा कहते दोनों ना हो, खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे, खेल समझो ड्रामा समझो नाटक समझो, स्लोगन है भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है, अंतर्मुखता क्या है, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर आत्मा समझो और तपस्वी मूर्त होकर रहो,
तपस्या कर रहे वहाँ बैठकर हर कर्म करते भी तो बाबा कहते अंतर्मुखी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।